हेलो दोस्तों कैसे हो इस वीडियो में हम जो कवर करेंगे दैट विल बी एंटेपार्टम हिमरेज इट इज़ एंटे हिमरेज दैट मींस कि हिमरेज दैट इज ब्लीडिंग जो हो रही है एंटेपार्टम पार्टम इज बर्थ ऑफ द बेबी बेबी के बर्थ होने से पहले जो ब्लीडिंग हो रही है उसको हम एंटे हिमरेज कहते हैं एंड वॉट इज़ द डेफिनेशन इट इज़ डिफाइंड एज द ब्लीडिंग फ्रॉम और इन टू द जेनेटल ट्रैक्ट आफ्टर द ट्वेंटी एट वीक्स ऑफ प्रेग्नेंसी दिस ट्वेंटी एट वीक इज एन आर्बिट्ररी लिमिट फॉर वायबिलिटी ऑफ द प्रेगनेंसी क्योंकि हम मानते हैं आफ्टर ट्वेंटी एट वीक्स अगर ब्लीडिंग uh, हो रही है कुछ हो रहा है तो जो बेबी बाहर आएगा दैट हैज द वायबिलिटी सो एट द आफ्टर ट्वेंटी एट वीक्स ऑफ प्रेग्नेंसी बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी सो दिस इंक्लूड्स The first and second stage of labor as well. Uh, even if the bleeding occurs during the first or second stage, even the second stage before the birth of the baby, that may cause harm to the baby. So, it is the definition bleeding occurring from or into the genital tract after 28 weeks of pregnancy but before the birth of the baby. So, this is the antepartum hemorrhage. Now, what are the types of Antepartum haemorrhage. Causes we can say what are the causes of antepartum haemorrhage. We can grossly uh, divide the causes into two-third cases. APH, K-2, two, uh, uh, approximately two-third cases or you can say 70% approx. They are coming from the placenta, placental causes and the remaining 30%. दे आर नॉट फ्रॉम दे आर नॉन प्लेसेंटल उसमें से भी जो आपके थर्टी परसेंट हैं फ्रॉम दो थर्टी परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट दे आर इनडिटर्मिनेट यू कैन नॉट फाइंड आउट लोकेट वेयर फ्रॉम द ब्लड इज कमिंग एंड फाइव परसेंट दे आर एक्स्ट्रा प्लेसेंटल दैट मीन्स आइदर उसके जो काजेज होते हैं दे आर लोकल कॉजेज यूजली सर्वाइकल पॉलिप हो सकता है वहां से ब्लीडिंग हो सकती है देन सर्वाइकल कैंसर मलिग्नेंसी अर्ली स्टेजेस वहां से ब्लीडिंग हो सकती है देन वेरी वेंस वेन्स हमने देखा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका जो जो ब्लड वर्क्यूलेचर है जो ब्लड सप्लाई है वो पूरा ही आपका जो जेनेटल ट्रैक्ट है अपर जेनेटल लोअर जेनेटल सब इंक्रीज हो जाता है तो वहाँ पे जब ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है कई बार वेलीकोज वेन्स हो जाती हैं दे गेट ट्रोमेटाइज़ ड्यूरिंग इंटरकोर्स एंड ऑल्सो दैट लोकल ट्रामा तो दीज आर द लोकल कॉजेज दे हैव टू बी रूल्ड आउट एंड हाउ विल यू रूल देम आउट examiner may ask you how you will rule out these local causes so per speculum examination is very important in cases of antepartum hemorrhage because you can find these causes only and only on per speculum examination so if a patient or of antepartum hemorrhage is coming to you you have to do the per speculum examination but you have to withheld the per vaginal finger examination ऑलवेज रिमेंबर दिस पर स्पेक्युलम एग्जामिनेशन इज इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट द लोकल कॉजेज दे आर ऑलमोस्ट फाइव परसेंट एंड इफ दे आर प्रेजेंट दे ट्रीटमेंट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर काजेज उनका जो टोटल ट्रीटमेंट है दे वो बिल्कुल ही डिफरेंट है फ्रॉम अदर काजेज से एंड सो टू फाइंड आउट दिस फाइव परसेंट पर स्पेक्युलम एग्जामिनेशन इज अ मस्ट इन केस ऑफ एंटीपाटम हिमरेज बट यू हैव टू विद होल्ड द पर वे जनरल एग्जामिनेशन वो हम आगे देखेंगे बिकॉज ऑफ दिस प्लेसेंटल केसेस सो इनडिटर्मिनेट जो 25 फाइव परसेंट केसेज हमने बताए हैं इनडिटर्मिनेट दैट मीन्स कि दे आर दे कैन नॉट बी असाइंड उनके लिए हम कोई भी कारण नहीं बता सकते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया है या लोकल भी नहीं है प्लेसेंटा प्रीविया भी नहीं नजर आ रहा है और एब्रप्शन भी नहीं नजर आ रहा है सो दैट बिकम्स द इनडिटर्मिनेट बट इन इन सच केसेस आफ्टर डिलीवरी यू मे फाइंड दैट देर वॉज़ अ स्मॉल हिमाटोमा पोस्टीरली ऑन द प्लैसेंटा सो इट कुड बी प्लेसेंटा एब्रप्शन और समटाइम्स क्या होता है कि आपकी सेक्सेंचूरियट लोब है वो थोड़ी सी नीचे आ गई है प्लेसेंटा की और वो आपको ऑन अल्ट्रासाउंड आपको नज़र आ रहा है कि सब एवरी थिंग इज नॉर्मल प्लेसेंटा इज लोकेटेड ऑन अपर सेगमेंट लेकिन आपका एक जो उसकी जो लोब है वो नीचे आ गई है वहां से कई बार ब्लीडिंग होती है सो दिस कैन बी फाउंड आउट ओनली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी सो दैट कम अंडर केसेज ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट केसेज ऑफ इनडिटर्मिनेट कॉजेज नाउ कमिंग टू द प्लेसेंटल कॉजेज अब जो आपके प्लेसेंटल कॉजेज हैं दे आर हाफ एंड हाफ दैट मीन्स थर्टी फाइव परसेंट एंड थर्टी फाइव परसेंट दे आर बोथ हाफ एंड हाफ हाफ ऑफ देम आर बिकॉज ऑफ प्लेसेंटल एब्रप्शन एंड हाफ ऑफ देम आर बिकॉज ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया सो अब इस वीडियो में हम जो है प्लेसेंटल एब्रप्शन को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में दिस प्लेसेंटा प्रीविया विल भी डिस्कस्ड इन अनदर वीडियो सो नाउ कमिंग टू वॉट इज एब्रप्शियो प्लेसेंटे एब्रप्शियो प्लेसेंटे और इट इज नोन बाय वेरियस अदर नेम्स प्लेसेंटल अब्रप्शन एक्सीडेंटल हिमरेज और एब्लेशियो प्लेसेंटे और प्री मेच्योर ऑफ प्लेसेंटा सो इन दिस केस द प्लेसेंटा इज लोकेटेड नॉर्मली इन प्लेसेंटा प्रीविया एंड प्लेस एब्रप्शियो प्लेसेंटे में दोनों में फर्क क्या होता है प्रीविया मीन्स नीचे की तरफ तो प्लेसेंटा प्रीविया फर्स्ट इट इज कमिंग बेबी से पहले आपका प्लेसेंटा आ, नीचे लोकेटेड होता है तो वो आने की कोशिश करता है तो दैट इज़ प्लेसेंटा प्रीविया जो लोकेशन है अपर सेगमेंट में जो रूटीनली प्लेसेंटा आपका इम्प्लांट होता है उसमें वैसा नहीं हुआ है प्लेसेंटल लोकेशन जो है वो आपके लोअर यूट्राइन सेगमेंट में है या नियर टू द सर्वाइकल ऑस है बेबी से पहले प्लेसेंटा का पार्ट आ जाता है इसलिए वहां से ब्लीडिंग होती है तो दैट इज प्लेसेंटा प्रीविया इन प्लेसेंट एब्रक्शो प्लेसेंटे प्लेसेंटा ऑन अल्ट्रासाउंड इज लोकेटेड ऑन द अपर यूट्राइन सेगमेंट ठीक है तो अपर यूट्राइन सेगमेंट में अगर वो प्लेसेंटा लोकेटेड है दैट मीन्स जो आपकी और आपने लोकल कॉजेज रूल आउट कर दिए हैं अपर इसमें है और देर इज ए ब्लीडिंग सो दैट मीन्स की देर आर चांसेज ऑफ एब्रपशो प्लेसेंटे डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल कंडीशन हम उसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से करते हैं सो वॉट इज द डेफिनेशन इट इज वन फॉर्म ऑफ एंटीपार्टम हिमरेज दिस इज अ वन फॉर्म ऑफ एंटेपार्टम हिमरेज वे आर द ब्लीडिंग ऑकरस ड्यू टू प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ द नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा सो वॉट डू यू मीन बाय प्री मेच्योर वॉट इज अ टाइम वो टाइम क्या होता है जब आपका प्लेसेंटा सेपरेट होना चाहिए जी हाँ वो आपका होना चाहिए आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी दैट मीन्स थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में लेकिन अगर वो उससे पहले सेपरेट हो रहा है बिफोर द बेबी इज़ कमिंग आउट ऑफ द वजाइना तब उसको हम क्या कहते हैं प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा सो दैट इज़ एब्रपश्योर प्लेसेंटे अब क्योंकि प्लेसेंटा की सारी सप्लाई जो है वो बेबी को जा रही है ब्लड सप्लाई और अगर वो आँ से वो सेपरेट हो रहा है तो कितना सेपरेशन हो रहा है सो so, इससे जो लॉस होता है वो बेबी का लॉस ज़्यादा होता है इसमें पेरीनेटल मॉर्टेलिटी जो है उसकी मात्रा अधिक है ऑलमोस्ट 15 टू 20 परसेंट पेरीनेटल मॉर्टेलिटी होती है और मेटरनल मॉर्टेलिटी भी इसमें बहुत अच्छी खासी होती है टू टू फाइव परसेंट बिकॉज ऑफ द ब्लड लॉस एंड दिस इज़ यूजअली इन केसेज ऑफ कंसील्ड ही जिसमें आपको पता नहीं चलता कंसील्ड हिमरेज क्योंकि उसके कॉम्प्लिकेशन भी अलग अलग होते हैं सो पेरीटल मॉर्टेलिटी इज मोर इन केसेस ऑफ़ एब्रप्शियो प्लेसेंटे अराउंड फिफ्टीन टू ट्वेंटी परसेंट एंड टू टू फाइव परसेंट मेटरनल मॉर्टलिटी भी इसमें रिपोर्टेड है अब इसका इंसिडेंस क्या होता है इट इज़ इन हॉस्पिटल डिलीवरीज अगर आप देखेंगे तो इट इज़ सीन टू बी वन टू थ्री इन इन वन फिफ्टी डिलीवरीज में आपको ये मिल सकता है अब इसकी वेराइटीज़ क्या क्या होती हैं एक तो प्लेसेंटा सेपरेट हुआ ब्लड रिलीज हुआ और वो बाहर आपको नजर आ गया वो आपका सर्विक्स में से बाहर आया वजाइना से बाहर आया सो इट इज अ रिवील्ड टाइप रिवील हो रहा है ब्लड इज रिवील्ड सो इट इज़ अ रिवील्ड टाइप देन इज कंसील्ड छुपा हुआ प्लेसेंटर सेपरेशन हो रहा है बट जो ब्लड है वो किसी वजह से बाहर नहीं आ पा रहा है मे बी जो मार्जिन uh, में से प्लेसेंटा रह गया कनेक्टेड वहाँ से वो नीचे नहीं आ पा रहा ट्रिकल नहीं हो पा रहा मेम्ब्रेन्स और उसके बीच में से यूट्राइन वॉल के बीच में से और वो आपका वहीं प्लेसेंटा के पीछे लोकेटेड ब्लड सप्लाई है ब्लड कलेक्टेड है या फिर जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो आपका एंगेज हुआ हुआ है उसकी वजह से वो नहीं आ पा रहा है सो दैट इज़ अ कंसील्ड टाइप एंड मिक्स्ड मिक्स टाइप में क्या होता है थोड़ा आ जाता है थोड़ा रह जाता है थोड़ा वो क्यों होता है जैसे अगर वो आप पे आपका जब ब्लड ये प्लास जब ये सेपरेट होगा सेपरेट होने के बाद में क्या होगा वहाँ पे कभी कभी तुरंत क्लॉटिंग हो जाती है तो जो क्लॉट हो गया है वो आपका तुरंत नहीं आ पाता है और जो आपका आ, फ्रेश ब्लड आपका आ रहा है वो आपका ट्रिकल हो नीचे जो क्लॉट नहीं हो पाया है वो आ जाता है तो दीज आर द्री टाइप्स ऑफ एब्रक्शो प्लेसेंटे रिवील्ड कंसील्ड एंड मिक्सड सो मिक्सड इज़ द मोस्ट कॉमन वेराइटी और जो कंसील्ड है जो जो छोटे होते हैं दे आर डाइग्नोज रेट्रोस्पेक्टिवली आफ्टर डिलीवरी सो आप इनडिटर्मिनेट कॉजेज़ में उन्हें शुरू में गिन सकते हैं और जो कंसील्ड में अगर आपका बहुत बड़ा हिमाटोमा जमा हुआ है सो मोस्टली उसमें फीटस जो है वो डेड हो जाता है एंड इट इट मे ऑल्सो रिस्क द लाइफ ऑफ द मदर ऑल्सो सो वॉट इज द एटियोलॉजी क्यों होता है सो so, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि ये दिस इज नॉट एट ऑल अ प्रिवेंटेबल थिंग हम इसको अच्छे से प्रिवेंट इजीली नहीं कर सकते क्योंकि कुछ कॉजेज इसके ऐसे होते हैं जो कि हम अनअवॉइडेबल uh, है बट दे आर सम सम कॉजेज सम एसोसिएशन जिसको हम कम कर सकते हैं तो वी कैन रिड्यूस द इंसिडेंस सो जो अवॉइडेबल कॉजेज हैं एक तो मल्टीपैरिटी मल्टीपैरिटी इज सीन टू बी रिस्क फैक्टर फॉर एब्रपशो प्लेसेंटे जो मल्टीपैरा होते हैं इट इज़ कॉमनली सीन इन दोज केसेस क्यों क्योंकि आपका जब आप देख रहे हैं रेगुलर हर बार मल्टीपैरिटी में जो एक कॉज uh, दिया गया है कि वाई इट इज़ हाई रिस्क फैक्टर कि जब आपके प्रेगनेंसीज़ uh, में प्लेसेंटेशन हो रहा है फिर वहाँ पे स्कैरिंग uh, भी होती है मायोमेट्रिम ये एंडोमेट्रियम रीजनरेशन होता है तो जो प्लेसेंटेशन होता है ये माना जाता है कि दैट इज समवॉट डिफेक्टिव इस वजह से इट गेट सेपरेटेड प्रीमेच्योरली सो मल्टीपैरिटी अगर आप मल्टीपैरिटी रोक रहे हैं तो टू सम एक्सटेंट यू कैन प्रिवेंट दिस एब्रपशो प्लेसेंटे ऑल्सो सो हाई बर्थ ऑर्डर एडवांस्ड एज में भी प्लेस इसका एब्रप्शो प्लेसेंटे के कॉजेज देखे गए हैं केसेस ज़्यादा होते हैं देन स्मोकिंग अगर मदर स्मोकिंग है तो देर आर हाई रिस्क ऑफ एब्रप्शो प्लेसेंटे एंड कोकेन एब्यूज सो so, ये जो चार कॉजेज हैं दे आर अवॉइडेबल नाउ मोस्ट कॉमन एसोसिएशन ऑफ एब्रप प्लेसेंटे अगर हम किसी और ऑप्टेटिकल कॉम्प्लिकेशन के साथ देखें कि जो उसका मोस्ट कॉमन एसोसिएशन है दैट इज विद द हाइपर टेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी नॉट ओनली इन प्री एक्लेम्पशिया बट अदर हाइपर टेंसिव डिसऑर्डर्स ऑल द हाइपर टेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी चाहे वो प्रीएक्लेम्पिया हो चाहे वो एसेंशियल हाइपर टेंशन हो चाहे वो आपका प्री एक्लेमशिया सुपर इम्पोज ऑन क्रॉनिक हाइपर टेंशन हो दे आर ऑल एसोसिएटेड मोर ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट केसेज ऑफ एबरप्शो प्लेसेंटे दे हैव दिस हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी सो दिस मच इज द एसोसिएशन तो अगर आप उसको कंट्रोल करेंगे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं उसका क्रॉनिक हाइपरटेंशन हो एसेंशियल हाइपरटेंशन हो या प्रियक्लेमशिया का सो यू में रिड्यूस द चांस ऑफ दिस एबरेप्शियो प्लेसेंटे दैन वॉट आर द अदर ट्रामा ट्रामा कैन बी इंड्यूस्ड एक्सीडेंटली लाइक इन केसेज ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इन दैट केस आपका ये हो सकता है एब्रक्शो प्लेसेंटे जब कंप्रेशन होता है बेल्ट uh, से या सडन आपका जब ब्रेक लगता है तेज मूविंग कार में उसमें से भी एब्रक्शो प्लेसेंटे हो सकता है या ब्लो टू द एबडोमन हो सकता है ब्लन ट्रामा डोमेस्टिक वायलेंस में हो सकता है फॉल हो सकता है तो दीज आर ऑल कॉजेज ट्रामा जो uh, आपका आइट्रोजेनिक भी हो सकता है दैट इज़ वेन वाइल डूइंग द एमनियोसेंटिस आप अगर एमनियोसेंटिस यू एस जी गाइडेड नहीं कर रहे हैं और आपकी नीडल जो है वो प्लेसेंटा में ही चली गई तो वहाँ पर आपका एबरक्शन हो जाएगा सो एम्सेंटिस इज टू बी डन अंडर यूएस जी गाइडेंस प्रेफरेबली एक चीज़ दूसरी चीज अगर आप एक्सटर्नल किफेलिक वर्जन कर रहे हैं जी ए में और आपने थोड़ा फोर्स लगा दिया उसको बेबी को घुमाने के लिए तब भी आपका ये एबरक्शन हो सकता है बट फॉर्चुनेटली अब सीजेरन सेक्शन इट इज़ वेरी सेफ फॉर मदर एंड बेबी एज वेल तो उस ब्रीच डिलीवरीज जो होती हैं उनको हम सी सेक्शन के लिए ले लेते हैं तो इसलिए एक्सटर्नल कीफेलिक वर्जन यूजली अब बहुत कम होता है तो इसलिए ये भी उसका आपका कम है इन केसेस ऑफ पॉलिहाइड्राम अगर आप uh, पी आप uh, ये रपच्चर ऑफ मेमरस कर रहे हैं तब उसमें कभी कभी सडन गश ऑफ लाइकर जैसे निकलेगा तो एकदम से यूट्राइन जो कंपार्टमेंट uh, है वो डिकम्प्रेस होगा और वहाँ पे जो आपका जो प्लेसेंटल अटैचमेंट है उसका सेपरेशन हो जाएगा सो इन दैट केसेस तो ऐसे केस में इट विज बेटर टू डू एमनियोसेंटेसिस रदर देन रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। सो ये जो कॉजेज हैं दीज कैन बी अवॉइडेबल विद केयर नाउ सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम में भी होता है जब आप uh, पेशेंट um, आपके पास एंटीनेटल केयर में आ रहा है यू टेल द पेशेंट नॉट टू लाई ऑन द बैक एंड प्रिफरेबली टू लाई ऑन द लेफ्ट लेटरल पोजिशन एंड वॉट इज शॉर्ट कॉट वेन केसेज ऑफ शॉर्ट कॉट आदर इट इज़ रिलेटिव और इट इज़ ट्रू शॉर्ट कॉट देन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी डिलीवरी के दौरान यूजअली क्या होता है जब बेबी को बाहर आ रहा है तो शॉर्ट कॉट से वो पुल हो जाता है उसमें आपका केवल एब्रक्शो प्लेसेंट ही नहीं होता है कई बार इन्वर्जन भी हो जाता है हो सकता है और सिक प्लेसेंटा इसमें हमने बताया जब आपका मल्टीपैरिटी होता है या एजिंग के वजह से आपका प्लेसेंटेशन में ही समस्या है बाकी कोई और कॉज नहीं है लेकिन आपका प्लेसेंटेशन में समस्या है और वो आपका जल्दी से निकल रहा है सम वेरी रेयर केसेस टॉर्शन ऑफ द यूटरस कैन कॉज एंड येस ऑफकोर्स थ्रोम्बोफिलियाज एंड ऑल्सो एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम में भी एब्रप्शो प्लेसेंटे प्री मैच खास करके जो होता है उसमें आपको वो ज़रूर टेस्ट करने चाहिए टू फाइंड आउट एंड बिकॉज इट इज़ प्रिवेंटेबल बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट सो किसी को एब्रप्शो प्लेसेंटे की हिस्ट्री है और उसमें सबसे बड़ी बात है रिकरेंस रेट जो है एब्रप्शो प्लेसेंटे में इट इज़ ऑलमोस्ट टेन फोल्ड एंड एक के बाद टेन फोल्ड बढ़ जाता है और अगर दो के बाद है तो ऑलमोस्ट ट्वेंटी उसका रिकरेंस रेट होता है सो so, और वो आप कैसे अगर वो थ्रोम्बोफिलियाज या आपके एप्ला की वजह से है एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम की वजह से है तो लो डोज हिपेरिंग जो है उसको कंटिन्यूस थ्रू आउट प्रेगनेंसी में प्रिवेंट दिस कॉम्प्लिकेशन सो अगर किसी को एब्रप्शो प्लेसेंटे होता है तो इट इज़ बेटर टू इवेल्युएट द वुमेन फॉर दैट कंडीशन ऑल्सो सो दीज आर एटियोलॉजिकल कॉजेज अब हाइपर टेंशन जो हाइपर टेंसिव डिसऑर्डर्स हैं उसमें एब्रपशो क्यों होता है इट मे बी आज इन योर वाइवा एग्जाम और इन शॉर्ट नोट ऑल्सो सो सब उसका जो मेकेनिज्म है वो क्या होगा जो स्पायरल आर्टीरियल जो आती हैं जो हमने देखा कि उनकी फनलिंग हो जाती है तो कई बार हाइपर टें हाइपर टेंशन में हम जब पढ़ेंगे तो वो आपके जो फनलिंग जो है ये ये आपका जो आ, यहाँ पे कोरियोनिक टिश्यू जो इन्वेजन होता है फनलिंग जो कॉज करता है वो नहीं होता वहाँ पे वॉजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है वॉजो कॉन्स्ट्रिक्शन से एनॉक्सिक डैमेज होगा टू द वॉल्स एनॉक्सिक डैमेज की वजह से वहाँ पे फिर जब वापस से ब, ब, ब्लड आ, सप्लाई आपकी रिस्टोर होती है स्पाजम जाने के बाद में तो वहाँ क्या हो जाएगा तुरंत वहाँ से वो वेसल्स रप्चर हो जाती हैं एंड इट गेट्स ब्लीडिंग uh, वहाँ पे हो जाती है और इन केस ऑफ सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम में क्या होगा क्योंकि जब सुपाइन हाइपोटेंशन वो सुपाइन लेटेगी तो उसका वेनस प्रेशर जो है वो उसका यूटरस प्लेसेंटल साइड का एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का वो बढ़ जाता है जिसकी वजह से वहाँ स्ट्रेसिस ज़्यादा हो जाएगी और उसकी वजह से वहाँ पे वो रक्चर होने के चांसेस होते हैं तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है अब इसमें पैथोजेनेसिस अगर हम देखते हैं तो यही है कि सेपरेशन इज़ इनिशिएटेड बाय द हिमरेज इन टू द डेसिडुआ बेसेलिस और प्लेसेंटा जो है वो उसके आसपास का जो है वो भी फिर सेपरेट होता चला जाता है समटाइम्स जो स्पेस है वहाँ पे भी उसका ब्लड का कम्युनिकेशन हो सकता है रफ्चर जो बेसल प्लेट में है इट कैन कम्युनिकेट विद द इंटरविलस स्पेस एज वेल सो अगर एंटी आ, इफ मदर इज आर एच नेगेटिव और उसको एब्रप्शन है तो इट इज़ बेटर टू गिव एन टी डी टू द मदर ऑल्सो अब जब हम रेट्रो प्लेसेंटल क्लॉट की बात करेंगे तो हमें प्लेसेंटा में डिलीवरी होने के बाद क्या नजर आएगा जहाँ पे से वो ब्लड निकला है क्योंकि ये एक्यूट अगर आपकी तुरंत डिलीवरी हो रही है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा नेक्रोसिस या ऑर्गेनाइज्ड जो क्लॉट है उसका तो नज़ारा नहीं मिलेगा लेकिन आपको वहाँ पे डिप्रेशन दिख सकता है प्लेसेंटा में तो वहाँ पे आपको क्लॉट भी दिख सकता है अगर आपका इंटेक्ट प्लेसेंटा आ रहा है तो उसके पीछे आपको क्लॉट भी दिख जाएगा उसके पीछे आपको डिप्रेशन भी दिख जाएगा और अगर ये क्रॉनिक केस है मान लीजिए हल्का हल्का कंसील टाइप का हुआ और बहुत ज़्यादा नहीं हुआ थोड़ा सा हुआ और प्रेगनेंसी हमने थोड़े से बेबी की प्रीमेचोरिटी की वजह से कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लिया तो सब उसमें फिर आपका वो अच्छे से वो नेक्रोज पार्ट प्लेसेंटा का नज़र आता है लेकिन जो एक्यूट केसेस होते हैं उसमें केवल आपको रेट्रोप्लेसेंटल क्लॉट डिप्रेशन और वो जो ब्लड क्लॉट है अच्छे से वो नज़र आएगा ट इज कोवेलियर यूट्रेस इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाई कोविलियर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कोवेलियर ये कब नजर आता है ये दिस इज कोवलियर यूट्रेस जब जो रेट्रोप्लेसेंटल ब्लड आपका जमा हो रहा है सम टाइम्स इट टेक्स एंट्री इन टू द यूट्राइन मायोमेट्रियम अब ये तो आपकी मसल वॉल है यहाँ पे प्लेसेंटा लगा हुआ है यहाँ पे आपका ब्लड एक्यूमलेट हो गया ये कब दिखता है मोस्टली कंसील्ड टाइप में रिवील्ड में तो क्या है ब्लड निकला वो बाहर आ गया उससे कोई और पैसेज की जरूरत नहीं है बट इन केसेस ऑफ कंसील्ड यहाँ पे आपका मान लीजिए ब्लड जमा हो रहा है सो इट ट्रैक्स उसको रास्ता मिल जाता है टू गो इन टू द मायोमेट्रियम और जब वो मायोमेट्रियम में जाता है कई बार वो मायोमेट्रियम से होता हुआ आपका सब सबसेरोजा से भी यहाँ पे ब्लीडिंग कई बार हो जाती है उसको भी क्लियर करके और आपको कई बार इन केसेस ऑफ कंसील्ड एब्रप्शन जो सीवियर केसेस होते हैं आप उसको अगर कभी सी सेक्शन के लिए ले रहे हैं तो आप देखेंगे कि जब आप उसे ओपन कर रहे हैं आपको पेरिटोनियल कैविटी में ही ब्लड नज़र आ जाता है वो कहाँ से आ रहा है वो यही आ रहा है और उसी केस में आपको कोविलियर यूट्रस भी नज़र आ जाता है उसमें आपको छोटे छोटे पैटेचेस भी दिखेंगे पोटवाइन स्टेन होते हैं पर्पलिश कलर के आपको पूरा जो यूट्रस है खासकर वो कॉर्नुअल एंड पे यूजअली नज़र आता है और पर्पलिश स्टेन्स आपको उस पर नज़र आते हैं तो वो कोविलियर यूट्रस होता है इसको नेकेड आई में तो आपको ऐसा नजर आएगा और अगर आप इसको माइक्रोस्कोपी करके देखेंगे हालांकि हर कोवेलियर यूट्रस को हम हिस्ट्रेक्टोमी नहीं करते ऑप्शेटिक हिस्ट्रेक्टॉमी नहीं करते इट इज़ नॉट एन इंडिकेशन क्योंकि ये आपके यूट्राइन अटोनी वगैरह नहीं क्रिएट करता है इससे आपको पीपीएच का कोई संभावना ऐसे बढ़ नहीं जाती है तो इसलिए अगर आपको ल, आ, किया और आपको कोविलियर यूट्रस नज़र आ रहा है तो डर के मारे उसको निकाल नहीं देना है क्योंकि उससे उसको पी का या ऐसा कोई कॉज uh, को कोई चांस बढ़ता नहीं है तो कोविलियर यूटरस इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर सिजेरियन हिस्टेक्टोमी बिकॉज इट डज नॉट इंटरफेयर विद द टोनिसिटी ऑफ यूटरस वो अटोनिक यूटरस या पोस्टमार्टम हिमरेज नहीं करता है तो so, माइक्रोस्कोपी में अगर बाय चांस हमें किसी और वजह से उसकी हिस्टेक्टोमी करनी पड़ रही है तो माइक्रोस्कोपी में हमें क्या नजर आएगा कि इधर इट इज़ नेक्रोस्ड जो uh, आपका Uh, जो अफेक्टेड एरिया है जहाँ पे वो हमें नज़र आ रहा है वहाँ पे जो यूट्राइन मसल्स हैं दे आर नेक्रोस एंड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फ्लूड इन बिटवीन द मसल फाइबर्स ये हमें नज़र आते हैं और आपकी जो वेसल्स हैं उसमें थ्रोम्बोसिस नज़र आती है सो माइक्रोस्कोपिक अपेयरेंस ये हो गया अब बाकी ऑर्गेंस में क्या होगा डिपेंडिंग अपॉन द ब्लड लॉस अगर आपका माइ जो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है uh, सबसे पहले अगर हम देखते हैं क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एप्रक्शियो प्लेसेंटे वी कैन क्लासीफाई इट इनटू फोर टाइप्स सबसे पहला आपका ग्रेड जीरो ग्रेड वन ग्रेड टू एंड ग्रेड थ्री फोर टाइप्स में है बट ये स्टार्टिंग हो रही है इसकी ग्रेड जीरो से ठीक है तो इट इज नॉट वन टू थ्री फोर इट इज ग्रेड जीरो वन टू एंड थ्री सो ग्रेड जीरो में क्या है इट इज द क्लिनिकल फीचर मे बी एबसेंट एंड आपको ये ज्यादातर रेट्रोग्रेड पता चलता है बाद में आपको दिखाई दिया आपने डिलीवरी करी बेबी की और डिलीवरी होने के बाद आपको प्लेसेंटा के पीछे छोटा सा क्लॉट नजर आ गया तो दैट इज रेट्रोग्रेड यूजली सो क्लिनिकली उसमें कोई साइंस और सिम्टम्स नहीं होते हैं ग्रेड वन में क्या होता है कि एक्सटर्नल ब्लीडिंग नजर आ रही है देयर इज एक्सटर्नल ब्लीडिंग इट इज स्लाइट एंड यूटरस जो होता है डायट जब पेशेंट आपके पास आ रही है तो इट इज़ इरिटेबल टेंडरनेस मे और मे नॉट बी प्रेजेंट उसको हो सकता है लेबर पेन स्टार्ट हो जाए बट जब आप यूटरस को टच कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट टेंडर एंड शॉक इज एब्सेंट एंड एफ इज गुड तो ये आपका माइल्ड आप कह सकते हैं कि कम ब्लड लॉस हुआ है जो आपको और यूजुअली ये रिवील्ड होता है जितना हुआ है आपको बाहर नजर आ रहा है शॉक नहीं है बेबी के एफ गुड हैं मतलब मदर एंड फीटर्स दे बोथ आर इन साउंड कंडीशन देर इज सम अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग यूटराइन कॉन्ट्रेक्शन में हैव स्टार्टड बट इट इट इज नॉट टेंडर सो दिस इज ग्रेड वन ठीक नाउ ग्रेड टू ग्रेड टू में क्या हो जाता है एक्सटर्नल ब्लीडिंग इट इज माइल्ड टू मॉडरेट यूटराइन टेंडरनेस इज ऑलवेज प्रेजेंट आपका जो यूटराइन की टोनिसिटी है वो बढ़ जाती है टोनिक यूटरस कंडीशन में आता है जब आप उसको टच करेंगे तो वो पेनफुल होता है और आप देखेंगे कि यूट्रस में रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है शॉक नहीं होता है मदर में बट फीटल डिस्ट्रेस में भी प्रेजेंट और इवन फीटल डिमाइस इज प्रेजेंट शॉक इज इन मदर शॉक इज एबसेंट सो बेबी की जो कंडीशन है दैट इज कॉम्प्रोमाइज एंड मदर कंडीशन इज हिमोडाइनेमिकली स्टेबल ग्रेड वन में आपके दोनों स्टेबल हैं बोथ मदर एंड फीटस दे आर स्टेबल ग्रेड टू में क्या हो रहा है मदर इज हेमडाने स्टेबल शॉक नहीं है शॉक इज एबसेंट अब फीटस इज कॉम्प्रोमाइज आइदर देयर इज डिस्ट्रेस और इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ सो इसमें आप ग्रेड टू में आए हैं तो फीटस कॉम्प्रोमाइज हो गया है मदर अभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है और ग्रेड थ्री में दे बोथ आर कॉम्प्रोमाइज फीटस इज इन डेड एंड मदर इज इन शॉक सो so, इसमें तो दोनों ही कॉम्प्रोमाइज़ हैं एंड इट इज़ द मोस्ट सीरियस कंडीशन अगर ये है तो मान लीजिए कि उसमें अच्छा खासा कंसील्ड ह्योरेज है सो दीज आर द ग्रेडिंग अब इन्हीं ग्रेडिंग के आधार पे या कितना ब्लड लॉस हुआ है उसके आधार पे अदर ऑर्गेन uh, भी इन्वॉल्व होते हैं वैन देर इज़ ब्लड लॉस डेफिनेटली देर मे बी साइंस ऑफ शॉक और जब आपके शॉक होते हैं शॉक के साइंस होते हैं तो शॉक के साथ साथ ही साथ जो ब्लड लॉस और जो कोएगुलेबल पैथोलॉजी coag जो है वो भी आपको नजर आएगी तो सबसे पहले तो ब्लड लॉस कितना होगा जो कि आपको क्लिनिकली नजर आएगा तो इट कैन बी लेस देन फिफ्टीन परसेंट अगर ब्लड लॉस है तो आपको नो साइंस ऑफ डिस्ट्रेस टू मदर और बेबी देन आपका 15 टू 30 परसेंट अगर है तो शॉक तो मदर में नहीं होगा बच्चा कॉम्प्रोमाइज होगा फीटस इज कॉम्प्रोमाइज ये ब्लड लॉस है हाउ मच परसेंट ऑफ ब्लड लॉस इज ऑकरिंग दिस में भी आज इन योर वाइवा फॉर पोस्ट ग्रेजुएट फिटस इज कॉम्प्रोमाइज बट मदर में शॉक नहीं है शॉक नो शॉक बट येस डेफिनेटली देर कुड बी टेकी जो आपके बॉडी ने बना रखा है एंड हाइपोटेंशन हो सकता है सो दीज आर द फाइंडिंग्स इन मदर फिटर्स इज कॉम्प्रोमाइज मदर में शॉक नहीं है लेकिन देर इज टगिकार्ड या देर इज हाइपोटेंशन देर इज वीक पल्स प्रेशर एंड इफ इट इज मोर देन थर्टी टू फोर्टी परसेंट इट इज अवियर फॉर्म इसमें मदर बेबी तो डेड है ही है एंड मदर जो है मदर इज इन शॉक अब शॉक में आने पे क्या क्या हो सकता है सबसे पहले तो शॉक में आने पे आपकी किडनी डैमेज होती है क्योंकि शॉक को मेंटेन करने के लिए वोजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा वोजो कॉन्स्ट्रिक्शन किडनी में भी होता है वहां पे एक्यू ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकती है ठीक है और एक होता है शॉक प्रोटीन यूरिया दिस कैन बी आज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोटीन यूरिया ऑफ प्रियलेम्शिया सो शॉक प्रोटीन यूरिया जो होता है केस जब आपको मदर को किसी भी कारण से शॉक हो रहा है अब हम एब्रप्सि प्लेसेंटे पढ़ रहे हैं तो हम इसी इसी के बारे में बात करेंगे आपका कोई सा भी केस हो सकता है दिस कैन हैपन इन रप्चर यूट्रस ऑल्सो दिस कैन हैपन इन प्रीविया और इन दिस ऑल्सो एब्रप्शि प्लेसेंटे तो इसके बारे में शॉक जब हो रहा है तो आपका वहाँ पर प्रोटीन एक्यूटुलर नेक्रोसिस और आपका प्रोटीन जो है यूरिन में जाने लगता है सो इट गिव्स या इज टू प्रोटीन यूरिया दिस इज शॉक प्रोटीन यूरिया इसका क्या खासियत है जब हम शॉक को आपको तुरंत उसको ट्रीटमेंट देते हैं उसको रिस्टोर करते हैं उसकी हिमोडाइनमिक स्टेटस और आफ्टर डिलीवरी ऑफ आफ द बेबी 48 एट आवर्स के बाद में ये रिजॉल्व हो जाता है जबकि आपका जो प्रोटीन यूरिया ड्यू टू प्लेक्लम्शिया है इट मे टेक लॉन्गर टाइम सो दिस इज शॉक प्रोटीन यूरिया इट मे बी आस्ड इन योर वाई वाई एग्जाम और ये तो आपके किडनी के चेंजेस हो गए वहाँ पर आपको जब ज़्यादा है हमने देखा जब सीवियर लॉस हो रहा है तो वहाँ पर आपका एक्यूट रिनल फेलियर भी हो सकता है जो सीवियर कॉम्प्लीकेशंस है इसकी एक्यूट रिनल फेलियर ये हो सकता है अब क्योंकि हमारे पीछे वहाँ पे ब्लड uh, का क्लॉट जमा हो रहा है स्पेशली इन कंसील्ड टाइप जहाँ पे आपका ब्लड निकला वो बाहर नहीं निकल पाया वहीं पे क्लॉट हो गया तो उसकी वजह से पेशेंट में लैंड इनटू डीआईसी आई एज वेल उसका फाइब्रिनोजन लेवल विल फॉल डाउन लेस देन 150, प्लेटलेट में आल्सो फॉल डाउन और अगर आपके लेस देन ट्वेंटी है और आप नॉर्मल डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप प्लेटलेट देंगे और लेस देन फिफ्टी थाउजेंड है ऑपरेटिव के लिए तब आप प्लेटलेट देंगे देन क्या हो सकता है उसका एफ डी पी डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स बढ़ जाते हैं और डी डाइमर दे ऑल्सो राइज ये आपका जो वहाँ पे कंजम्पन कोगलोपैथी होती है आपका वो uh, उसको क्लॉटिंग में सारा आपका यूज़ हो गया और आपके पास अब नॉर्मल बॉडी के लिए नहीं बचा और इट गिव्स राइज टू डी आई सी तो दिस इज ब्लड कोगोलोपैथी भी होती है इसमें दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेम्बर डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होती है इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस अब ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे और जो बाकी का इसका प्रोग्नोसिस मैनेजमेंट ट्रीटमेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्योंकि पेशेंट को जो ब्लीडिंग है वो किस प्रकार की आ रही है दोनों कंडीशन में मैं आपको बताती हूँ रिवील्ड और कंसील्ड में क्या फ़र्क है जो ब्लड है आपका जो कैरेक्टर ऑफ ब्लीडिंग है इट इज़ पेनफुल सबसे पहले तो डिफरेंशिएटेड फ्रॉम बिकॉज इट इज एंटीपार्टम हिमरेज वी हैव टू डिफ्रेंशिएटेड प्रीविया प्लेसेंटा प्रीविया में पेनलेस ब्लीडिंग होती है इट इज़ पेनलेस पेन लेस कॉजलेस कोई कॉज नहीं होता कोई ट्रामा नहीं हुआ है ना कोई uh, कोई पेन नहीं हुआ है बस एकदम से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई दैट इज द्लीनिकल मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रजेंटेशन ऑफ प्लेसेंटा प्रीवियर लेकिन इन केस ऑफ एब्रप्शन इट द ब्लीडिंग इज एसोसिएटेड विथ पेन ब्लीडिंग प्ले पेन के साथ होती होती है ब्लीडिंग कैन बी माइल्ड कैन बी मॉडरेट कैन बी सिवियर अब रिवील्ड और कंसील्ड में क्या फ़र्क है रिवील्ड में जितना ब्लड लॉस वो बता रही है उतना ही उसका आपको हेमाडाइनेमिक स्टेटस नज़र आ रहा है कंसील्ड में ब्लड लॉस तो वो हो सकता है थोड़ा बताए या हो सकता है उसको ब्लड लॉस हो ही ना केवल पेन सडन पेन हो जाए और उसका जो स्टेटस है कंडीशन जो है पेशेंट की वो बहुत ही आपकी ज़्यादा नाजुक नजर आती है वो हेमोडाइनमिकली स्टेबल नहीं होती है उसमें आपने देखा खूब डिहाइड्रेशन शॉक ये सब कुछ आपको उसमें नज़र आता है पैलर माइल्ड में जितना ब्लड लॉस होगा उतना ही उसको पैलर नज़र आएगा लेकिन इन केस ऑफ कंसील्ड इट इज़ मोर एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस फीचर्स ऑफ प्रियक्लेम्पिया जो कंसील्ड वैरायटी होती है उसमें यूजली प्रियक्लेम्पिया एसोसिएटेड ही होता है और रिवील्ड में मे और मे नॉट बी प्रेजेंट यूट्राइन टोन जो होती है रिवील्ड में जितना हुआ वो बाहर आ गया सो so, वहाँ पे टोन नहीं बढ़ती है टेंडरनेस कम रहती है लेकिन इन केस ऑफ कंसील्ड यूट्रस टेंडर टू टच फीटल पार्ट्स कैन नॉट बी मेड आउट इन कंसील्ड बिकॉज वो इतना टेंडर होता है कि आप उसको टच ही नहीं कर सकते पेनफुल होता है कंसील्ड अगर आपका ज़्यादा है अमाउंट ज़्यादा है तो फीटस इज यूजली डेड एंड जो यूरिन आउटपुट है वो भी आपका हो सकता है कॉम्प्रोमाइज हो जाए हो सकता है शॉक की वजह से उसको आ, वो रीनल फेलियर में हो सो दीज आर द अब अल्ट्रासाउंड में आपको नजर आ जाता है कि भाई प्लेसेंटा लोकेशन कहाँ पे है सो यू कैन डिफेंशिएट ऑन अल्ट्रासाउंड वेदर इट इज प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्शन जब तक आपका डिफरेंशियल नहीं हो रहा है आपको उसको परवजनल एग्जामिनेशन नहीं करना है पर स्पेक्युल जरूर करना है और हमें अल्ट्रासाउंड में जो फ्रेश आपका जो ब्लड आपका रेट्रोप्लेसेंटल ब्लड है इट कैन बी आइसो जैसा प्लेसेंटा नजर आता है वैसा ही वो होता है तो कई बार मिस हो सकता है और इट मे भी हाइपर इकोइक हाइपर इकोइक मतलब इट इज मोर वाइट मोर वाइट इट इज सो इट कैन बी, तो हम उसको आ, ये आ, उसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं और जो आपका लेट है मान लीजिए हल्का कोई माइल्ड सा कंसील्ड हीमोरेज उसको हुआ और वो हमने फिर क्योंकि मान लो वो थर्टी फोर वीक्स की प्रेगनेंसी थी हमने उसको थोड़ा सा कंटिन्यू होने दिया फिटल लंग मेचोरिटी के लिए तो उस केस में जो आपका ओल्ड है रेट्रोप्लेसेंटल वो आपको एन इकोइक बिल्कुल ब्लैक नज़र आएगा ओके सो दिज आर द अल्ट्रा अल्ट्रासाउंड अपेयरेंस ऑफ रेट्रोप्लेसेंटल ब्लड बिकॉज आइसो इकोइक भी नजर आता है सो इट मे बी मिस आइसो इकोएक टू प्लेसेंटा मतलब जैसा प्लेसेंटा वैसा ही वहाँ पे ब्लड क्लाट नज़र आ रहा है सो वॉट आर द डिफ्रेंशियल डायग्नोसिस रिवील्ड में तो हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया फ्राम जो आपके लोकल कॉजिस एंड फ्राम प्लेसेंटा प्रीविया और मिक्सड और कंसील्ड में क्योंकि उसमें पेन ज़्यादा होता है यू मे कन्फ्यूज इट विद ड्रक्चर यूटरस रेक्टस शीथ हीमाटमा हो सकता है देन अपेंडिकुलर और इंटेस्टनल परफोरेशन बिकॉज पेन है कोई ब्लड लॉस नहीं है और uh, केवल पेन पेन है तो आप उसको अदर सर्जिकल कंडीशन से भी मिस कन्फ्यूज़ uh, uh, कर सकते हैं अगर उसमें ट्विस्टेड ओवेरियन ट्यूमर बट हमारे पास अगर कोई अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग है पुरानी की उसको कोई ओवेरियन ट्यूमर नहीं है तो फिर ये तो रूल आउट हो जाती है देन वॉल्यूलस दिस इज अना सर्जिकल कंडीशन एंड एक्यूट हाइड्रोम्योस इज अ ऑप्शिकल कंडीशन जिसमें हमें इसे हटाना है क्योंकि इन केसेस ऑफ कंसील्ड एब्रप्शन जब हम आपका यूट्राइन पालपेशन करेंगे बिकॉज ऑफ द रेट्रोप्लेसेंटल ब्लड क्लॉट प्रेजेंट यूट्राइन साइज जो होता है इट मे बी मोर देन द एक्सपेक्टेड हाइट ऑफ यूट्रस और जो आपका हम एक्यूट ये बोल रहे हैं हाइड्रोमियोस उसमें भी आपका यूटराइन साइज जो होता है इट इज़ मोर देन दीरियड ऑफ जेस्टेशन सो इनको हम अल्ट्रासाउंड में अगर आपको नजर आ रहा है कि फिटस और लाइकर का अमाउंट उससे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एंड टॉनिक यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन सो दीज आर द डिफ्रेंशियल डायग्नोसिस यू हैव टू लुक इन केसेज ऑफ कंसील जहाँ पर आपकी ब्लीडिंग प्रेजेंट नहीं है केवल पेन के साथ वो आ रही है और पेन इतना है कि शी मे बी टॉसिंग इन बेड एंड उसका हीमोडाइनेमिक स्टेटस जो है वो भी पूरा अनस्टेबल हुआ हुआ है दिस हीमोडायनेमिक स्टेटस जो है वो आपका जो एक्यूट हाइड्रोमॉस है उसमें आपका वो हेम्पर नहीं होगा सो दिस इज ऑल्सो कंडीशन uh, जो आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ये वीडियो में मैंने आपके लिए इसको कवर किया है नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोग्नोसिस वी विल डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट एंड द ट्रीटमेंट आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा हम रिप्लाई करेंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए हमारा एक और चैनल है डॉक्टर स्वाति लेक्चर्स उसमें आपको जो भी मेडिकल के सब्जेक्ट्स हैं सारे ऑल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर के वो सभी को हमने उनके पार्ट्स को कवर कर रहे हैं तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच